हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और गाइस, आज के वीडियो में मेरे पास यहां पे है एक न्यू रिमोट कंट्रोल आरसी ड्रोन। तो गाइस, इस ड्रोन को चला सकते हैं अपने हैंड के मूवमेंट से, मतलब कि जिस तरह से आप हैंड में मूवमेंट करिएगा उस तरह से इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग इस ड्रोन का और उसके बाद देखते हैं इसको टेस्टिंग करके। तो चलिए गाइज, करते हैं इस ड्रोन का अनबॉक्सिंग। लेकिन गाइज, अनबॉक्सिंग करने से पहले जान लेते हैं इस ड्रोन का प्राइस। तो गाइज, इस ड्रोन का प्राइस है 2000 रुपये। और जो बेस्ट बाय लिंक होगा इस ड्रोन को बाय करने का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं इस ड्रोन को। तो चलिए गाइज, आप बात करते हैं पहले इस ड्रोन बॉक्स पर लिखा हुआ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइज, ये ड्रोन आता है 14+ एजेस के लिए। और इसके साथ साथ गाइज, ये है 2.4 GHz का ग्रेविटी सेंसर रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट। उसके साथ साथ गाइज, इसके बॉक्स के ऊपर देखते हैं और क्या फीचर मिलता है दिखने को। तो गाइज, इस ड्रोन में आपको मिलता है 1 key to take off और 1 key to landing बटन, और उसके साथ साथ थ्रोइंग फ्लाइंग रिएक्शन मोड, और उसके साथ साथ ग्रेविटी सेंसर है इसके अंदर, रिमूवेबल बैटरी, लिपो बैटरी इसके अंदर लगता है, कूल लाइट्स है इसके अंदर देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इसका रेंज के बारे में बात करें तो गाइज, ये ड्रोन जा सकता है 50 मीटर के रेंज में, 50 मीटर के रेंज में आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। एल्टीट्यूड होल्ड भी करता है ये। उसके साथ साथ गाइज, ये इंफ्रारेडेड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का सेंसर भी इसके अंदर लगा है। तो चलिए गाइज, अब करते हैं फटाफट से अपने ड्रोन को अनबॉक्सिंग, बॉक्स से बाहर करते हैं और देखते हैं गाइज बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ निकलता है। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका यूजर इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन होता है इस ड्रोन के बारे में, कैसे इसको फ्लाई करना है, कैसे बैटरी लगाना है, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो गाइज, फटाफट से निकालते हैं अब अपने ड्रोन को। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली गाइज, ये है अपना ड्रोन येलो कलर का, जो कि गाइज काफ़ी अमेजिंग लुक लग रहा है इस ड्रोन का। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। तो गाइज, ये है ड्रोन, इसको फिलहाल साइड में रखते हैं अब और देखते हैं गाइज बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ आया है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। तो गाइज, ये वॉच टाइप का बना हुआ है, इसको आपको सिंपली से हैंड में कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा लेना है और उसके बाद इसके मदद से ही आप इसको कंट्रोल करेंगे। जैसे जैसे आप मूवमेंट करिएगा हाथ को, उसी तरह से ड्रोन आपका कंट्रोल होने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज। उसके साथ साथ गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका है कुछ एसेसरीज, तो वो आपको आप दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये है यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें केबल्स है। तो गाइज, यहाँ पे 2 केबल्स है, एक है यहाँ पे इसका ड्रोन को बैटरी चार्ज करने के लिए, ये केबल आता है, और उसके साथ साथ गाइज, यहाँ पे आपको एक केबल और मिलता है, ये इसका जो रिमोट कंट्रोलर है उसको चार्ज करने के लिए है। उसके साथ साथ गाइज, 2 extra propeller आपको देखने को मिलता है। अगर ड्रोन का बाई चांस अगर डैमेज हो जाता है प्रोपेलर, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ एक रिमोट कंट्रोलर और मिलता है। बॉक्स के अंदर ये सारा चीज़ ही आपको देखने को मिलता है। तो चलिए गाइज, आप फटाफट से सेटअप कर लेते हैं इस ड्रोन को और उसके बाद देखते हैं कैसा चलता है ये ड्रोन, फ्लाई कैसा होता है वो देखते हैं। तो चलिए गाइज, अब फटाफट से बैटरी लगा लेते हैं इस ड्रोन के अंदर। तो गाइज, बैटरी का बॉक्स इस ड्रोन के यहाँ पे है, तो इसको ओपन करते हैं और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैटरी। तो गाइज, ये बैटरी है यहाँ पे गाइज, 550 mAh का, 3.7 volt का इसका पावर है। तो देखते हैं गाइज आगे कितना देर तक ये बैकअप देता है उस। और एक चीज़ और गाइज, यहाँ पर अगर ये बैटरी डाउन होगा तो इसको आपको एक बार चार्ज कर लेना है, फुल चार्ज, तभी जाके आपको लगाना है। तो गाइज, यहाँ पर फुल चार्ज करने के बाद आप इसको सिंपली से इसे कनेक्ट कर दीजिए प्लगिंग करके, और उसके बाद जैसे बैटरी था वैसे ही फिर से रख देंगे इसके अंदर बैटरी बॉक्स में, और उसके बाद इसके कवर को फिर से बंद कर लेंगे। बस गाइज, यहाँ पे बैटरी लग चुका है ड्रोन के अंदर। अब गाइज, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ का स्विच है ये, तो इसको ऐसे आपको दबा के रखना है। और गाइज, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स आ गया है ऑन होने का, जो कि काफ़ी ऑसम लाइट लग रहा है। तो गाइज, ये है। अब चलिए गाइज, अब लगाते हैं इसमें बैटरी। तो गाइज, इसका जो बैटरी है, इसका भी बैटरी इनबिल्ड है, तो इसमें बैटरी लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार देख लेना है कि ये बैटरी चार्ज है कि नहीं। तो गाइज, ये बैटरी चार्ज है फिलहाल आप फटाफट से मैं इसको लगा लेता हूँ इसके बेल्ट को, और ये जो है बटन, इसको आपको फिंगर में कुछ इस तरह से लगा लेना है। बस गाइज, रेडी हो चुका है, अब इसको भी ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर ये ऑन हो गया है, और 3 बार लाइट ब्लिंक होने के बाद दोनों का लाइट स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब यहाँ पे पेयर हो चुका है, रेडी है अब उड़ने के लिए। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं इसका टेस्टिंग करके कैसा ये फ्लाई लेता है।
तो चलिए गाइज आप फटाफट से टेस्टिंग करते हैं अपने ड्रोन को। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन अपना फ्लाइंग करने का स्टार्ट हो गया है 1Q2 टेकऑफ। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ड्रोन को थोड़ा सा मैं स्टेबल करता हूँ पहले। और ये देखिए गाइज यहाँ पे स्टेबल हो गया है ड्रोन। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके लेके जाते हैं ऊपर। तो इसके जो बटन है फिंगर में, इसको दबा के आपको ऊपर के और हैंड को करना है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ऊपर हो जाता है। तो देख सकते हैं गाइज काफ़ी औसम तरीका से यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे इसका फ्लाइंग अप एंड डाउन। और देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ऊपर नीचे करके। तो गाइज ये कुछ इस तरह से कंट्रोल हो रहा है देख सकते हैं। तो चलिए गाइज अब इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड चलाते हैं इसको लेफ्ट राइट करके पहले देखते हैं। तो गाइज यहाँ से देखिए लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से हैंड में मूवमेंट मैं दे रहा हूँ लेफ्ट राइट का, तो उस तरह से यहाँ पे ये फ्लाई कर रहा है लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाइज। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइज और काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये ड्रोन यहाँ पे बना हुआ है। इसको आप लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं अप एंड डाउन। अब इसको हम देखिए गाइज आगे पीछे करते हैं। तो देखिए गाइज कुछ इस तरह से आप आगे पीछे अप एंड डाउन अगर कर रहे हैं हाथ के मूवमेंट को, तो ड्रोन भी आगे पीछे हो रहा है कुछ इस तरह से देख सकते हैं गाइज। तो ये है यहाँ पे इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कि काफ़ी ऑसम है। सारे डायरेक्शन में आप इसको फ्लाई कर सकते हैं गाइज। तो चलिए गाइज अब आपको दिखाता हूँ इसका फ्लाइंग थ्रू मोड, मतलब कि इसको फेंकना है और ये फ्लाइंग लेने का स्टार्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से इस मोड को टेस्ट करके। तो इसको ऑन करना है सबसे पहले ड्रोन को, और यहाँ पे लाइट्स देखिए आ चुका है ऑन होने का, और यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। देखिए अब स्लो स्लो ब्लिंकिंग कर रहा है, तो मतलब अब रेडी है ये फ्लाइंग थ्रू मोड के लिए। तो चलिए देखते हैं चला के इसको। तो गाइज यहाँ पे ड्रोन को ऐसे हाथ में पकड़ लिए हैं और इसको फेंकते हैं, और देख सकते हैं गाइज फ्लाइंग स्टार्ट हो गया है ड्रोन का कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, और गाइज यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि देख सकते हैं गाइज यहाँ पे 3D मोड, काफ़ी अमेजिंग फीचर। सो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये फीचर्स। देखिए आगे कुछ इस तरह से आप इसे ऊपर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जितना ऊपर आप हैंड को ले जाएंगे दबा के बटन को उतना ऊपर जाएगा। जैसे और ऊपर कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जितना आप ऊँचा करना चाहते हैं वो अपना कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और नीचे जितने चाहते हैं फिर हैंड को नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा। और देख सकते हैं ये लेफ्ट राइट देख सकते हैं सारे फंक्शन यहाँ पे इजीली वर्किंग है। देख सकते हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का यहाँ पे सिस्टम, नीचे से कुछ आता है तो ये ऊपर हो जाता है। इसी तरह से आपको चारों ओर से किसी भी चीज़ में अगर ये टकराता है तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड हो जाएगा, तो काफ़ी सेफ्टी रहता है। तो गाइज अब इसको 1K लैंडिंग कर दिए हैं आउटडोर में।